गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम आज क्लास ट्वेल्थ में हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल हमें समझाता है कि वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन फिक्स करना, कि किसी इंस्टेंट टाइम टी पर अपने को लोकेशन पता है, लेटर किसी इंस्टेंट टाइम पर अपने को लोकेशन फाइंड करनी है, तो अपन इस प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे अपन यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके अंदर अपन इंटरफेरेंस के फिनोमेना को समझेंगे। तो हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स हमें क्या बताता है? हाइगेंस ने बताया कि इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें इसने बताया कि वेव फ्रंट का हर पार्टिकल न्यू सोर्स के जैसा काम करेगा और अपने अंदर से फिर से वेव प्रोड्यूस करेगा, जिसको अपन कहेंगे सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट या हर पार्टिकल न्यू सोर्स के जैसे काम करेगा और अपने अंदर से फिर से वेव्स प्रोड्यूस करेगा, जिनको अपन कहेंगे सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। तो ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। Called secondary waves or wavelets. तो यही है कि वेव फ्रंट का हर पार्टिकल या हर पॉइंट फ्रेश सोर्स के जैसे काम करेगा और अपने अंदर से फिर से वेव प्रोड्यूस करेगा, उन वेव्स को अपन क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी वेवलेट्स और वेव्स। फिर कि जिस मीडियम में ये सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपेगेट होगी, उनकी स्पीड, उनकी जो स्पीड है वो उसी मीडियम में लाइट की स्पीड के बराबर होगी, सेम होगी। जिस मीडियम में ये सेकेंडरी वेव प्रोपेगेट होगी आगे, उसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसके बराबर इनकी स्पीड होगी। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंडरी वेव्स स्प्रेड आउट, या प्रोपेगेट भी लिख सकते हैं आप, स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इनका सेकेंड पॉइंट है कि जो सेकेंडरी वेव, जो न्यू सोर्स, जो फ्रेश सोर्स प्रोपेगेट कर रहे हैं, उनकी स्पीड मीडियम में लाइट की स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, यही है सेकेंड पॉइंट। सेकेंडरी वेव स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन, मतलब आफ्टर टी टाइम बाद में वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन बतानी है, वो ही थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट को लिखने से पहले अपन हाइगेन कंस्ट्रक्शन, मतलब वेव फ्रंट की लोकेशन बताने के लिए अपन पहले सीखेंगे हाइगेन कंस्ट्रक्शन। उसी के बारे में थर्ड पॉइंट है, हाइगेन कंस्ट्रक्शन
तो हाइगेन कंस्ट्रक्शन में अपन की अपने को वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन बतानी है कि किसी टाइम पर वेव फ्रंट पता है और किसी टी टाइम बाद में अपने को उसकी लोकेशन बतानी है, तो उसके लिए अपन करते हैं हाइगेंस कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट सोर्स ले रहा हूं और आपको पता है पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट प्रोड्यूस होते हैं बेटा, स्फेरिकल। तो ये किसी टाइम पर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, किसी टाइम पर मैंने देखा कि एक स्फेरिकल वेव फ्रंट इससे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इस टाइम को मैंने क्या रिगार्ड कर लिया, टी इक्वल्स टू जीरो, और स्पीड इसमें जो स्पीड है कितनी है, सी स्पीड से ये आगे प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है। किसी टी टाइम में, किसी इंस्टेंट टाइम पर मैंने इसको देखा, वो टाइम कितना है, टी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब मेरे को इसका न्यू वेव फ्रंट बताना है, कितने टाइम में, टी टाइम बाद में इसका न्यू वेव फ्रंट कहाँ लोकेट होगा वो अपने को बताना है। तो अपने को पता है कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो फ्रेश सोर्स के जैसे काम करेंगे, कि यहां पे जो पार्टिकल होगा, यहां पे जो पार्टिकल होगा, सारे क्या बन जाएंगे, फ्रेश सोर्स, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, है ना। जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे फ्रेश सोर्स बन जाएंगे, मतलब अपने अंदर से दोबारा वेव या डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब इस वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन बतानी मेरे को किसी टाइम पर, किसी टी टाइम पर, क्या बतानी है, न्यू लोकेशन, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट एन इंस्टेंट टी, ठीक है, टी टाइम पर। तो बेटा यहां से वेव प्रोड्यूस होगी इन सोर्स से, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही बोलते हैं कि वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल है उनसे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, डिस्टरबेंस यहां से प्रोड्यूस होगा, और टी टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। टी टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, क्योंकि यहां का जो डिस्टरबेंस है वो किस स्पीड से चलेगा, सी स्पीड से। सेकंड पॉइंट यही तो बोल रहे हैं कि यहां का जो डिस्टरबेंस है उसकी स्पीड, ये जो डिस्टरबेंस पैदा करेंगे ये सारे पार्टिकल, उनकी स्पीड कितनी होगी, सी, और सी और टी टाइम बाद में सी टी डिस्टेंस कवर करेंगे सारे डिस्टरबेंस, सी टी डिस्टेंस कवर करेंगे ना। तो सी टी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो जो अपने को वेव फ्रंट बताना है, न्यू वेव फ्रंट, उसके लिए अपने को क्या करना है कि ये पॉइंट है, इनको सेंटर लेकर, इनको अपने को सेंटर लेकर सी टी रेडियस का स्पेयर आपको ड्रॉ करना है, इनको सेंटर लेकर सी टी रेडियस का क्या करना है, स्पेयर ड्रॉ करना है। ये सी टी रेडियस का क्या है, स्पेयर है, और इन स्पेयर पर जो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट प्लेन है, वही अपने को टी टाइम बाद इस वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन बताएगा। जो ये कॉमन टेंजेंट है, जो किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड कॉमन टेंजेंट प्लेन ही अपने को टी टाइम में इस वेव फ्रंट की न्यू लोकेशन बताएगा। तो ये जो वेव फ्रंट है यही है टी टाइम बाद में न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट ऐसे बनना है, इसके बाद में दोबारा इस वेव फ्रंट के जो पार्टिकल हैं वो न्यू सोर्स बन जाएंगे, उससे फिर दोबारा आगे क्या होगा, वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि जिस सोर्स से, ये सोर्स है,
इससे जो वेव प्रोपगेट हो रही है ना, वेव प्रोपगेट हो रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वही पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी होगी, जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी है वो ही पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी होगी, सेम फ्रिक्वेंसी में होंगे, ठीक है। लेकिन टेंजेंट तो यहां भी बन रही है, बैकवर्ड कॉमन टेंजेंट, तो हाइगेन ने इस टेंजेंट को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो आगे आगे प्रोपगेट होती है, जो एनर्जी है वो तो आगे आगे प्रोपगेट होती है, तो हाइगेन ने इसको अकाउंट नहीं किया। जो बैकवर्ड कॉमन टेंजेंट प्लेन है जो कि वेव फ्रंट ही है एक तरह से, उसको अकाउंट नहीं किया, सिर्फ फॉरवर्ड कॉमन टेंजेंट प्लेन को ही अकाउंट किया, जिसको अपन बोलेंगे वेव फ्रंट। किसी टी टाइम बाद में, टी जीरो पे कितना वेव, कौन सा वेव फ्रंट था, ये वाला, और टी टाइम बाद में वेव फ्रंट क्या मिला अपने को, ये, ठीक है। तो इसको, इस जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसको मैथ में एक वर्ड, मैथ में एक वर्ड वर्ड है एवेनलोप, मैथ की लैंग्वेज में इसको एवेनलोप कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको एवेनलोप भी कह सकते हैं, एवेनलोप। तो थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूं, तो थर्ड पॉइंट है द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय फॉरवर्ड एनवेलोप, फॉरवर्ड एनवेलोप, या ब्रैकेट में लिख लें अपन टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन वाली सरफेस को क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया अगेन ने, उसको डिस्कार्ड क्यों किया, क्योंकि जो एनर्जी है लाइट की, जो एनर्जी है वो तो आगे प्रोपगेट होती है, तो फॉरवर्ड एनवेलोप को ही अकाउंट किया, ठीक है। इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलोप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था और यही है हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, कि अपन ने अभी पॉइंट सोर्स लिया था, ठीक है, अब अपन ले रहे हैं एक प्लेन लीनियर सोर्स, और लीनियर सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलता है बेटा, प्रोपेगेट होता है, वो कैसा वेव फ्रंट प्रोपेगेट होता है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट है, और अपने को फर्स्ट पॉइंट बोला है कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे वो एक फ्रेश सोर्स के जैसे काम करेंगे, ठीक है। ये किसी टाइम पर मैंने इसको देखा है ना, किसी अर्लियर या किसी टाइम पर, इंस्टेंट टाइम पर, ये मेरे को, मैंने इसको देखा, ये टाइम में ले रहा हूं टी इक्वल्स टू जीरो पर। अब मेरे को टी टाइम बाद में इसका नया वेव फ्रंट बनाना है, ठीक है। तो बताया था कि पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है कि इस वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल है वो फ्रेश सोर्स के जैसे काम करेंगे और अपने अंदर से नई वेव्स है ना, नई वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, जिनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स, ठीक है। तो यहां से देखिए बेटा, अब मेरे को टी टाइम बाद में इसका क्या बताना है, वेव फ्रंट मतलब न्यू पोजिशन बतानी है, न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट एट एन इंस्टेंट टाइम। तो आपको पता है कि जिस स्पीड से ये वेव फ्रंट निकला था सोर्स से, उसी स्पीड से
डिस्टरबेंस आगे बढ़ेंगे तो टी टाइम बाद में इससे जो डिस्टरबेंस निकलेंगे वो सारे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, सही है। तो अपन क्या करें, न्यू वेव फ्रंट बनाना है तो लाइट की स्पीड सी है तो सी टी डिस्टेंस वो सारे क्या करेंगे, कवर करेंगे, सी टी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अपन इन पॉइंट को सेंटर मानकर सी टी डिस्टेंस का क्या खींच दे, एक स्पेयर। सी टी रेडियस का क्या खींच दे, एक स्पेयर। इन पॉइंट से क्या मिलेगा अपने को, स्पेयर। और इन स्पेयर का जो कॉमन टेंजेंट प्लेन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो कॉमन टेंजेंट प्लेन है उसी को अपन क्या बोलेंगे, न्यू वेव फ्रंट। जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एनवेलोप। एनवेलोप, ठीक है। तो ये है अपना हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स।